हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्मोकी आई मेकअप सीखेंगे, बट उससे पहले क्लीन करना सीख लेते हैं। ये वाला जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही कम होता है और ये ख़त्म भी हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, हम कोई भी वैसलिन से इसको क्लीन कर सकते हैं। मेरे जो सब्सक्राइबर था उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम किससे क्लीन कर सकते हैं इसको, क्योंकि उनको सॉल्यूशन नहीं मिला था। तो सोचा एक वीडियो ही बना देते। सबसे पहले आप आईलैश को निकाल लीजिए, क्योंकि उसको रीयूज़ आप कर सकते हैं बहुत बार। तो उसके बाद आप, मैं यहाँ पे दिखा रही थी इसलिए मैंने यार बर्ड पे वैसलीन लगा के इसको क्लीन कर रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट टिश्यू पेपर पे भी वैसलीन लगा के इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ब्लैक आई शेडो है तो पहले मैं उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पर एक टिश्यू पेपर लूँगी और उस पर अच्छे से वैसलीन लगा के उसको क्लीन कर लूँगी। सेम जैसा रिज़ल्ट आपको वो सॉल्यूशन या फिर वो लोशन यूज़ करने पे मिलता है, सेम ही आपको इस पे भी रिज़ल्ट मिल जाता है बहुत अच्छे से। आँखों के अंदर जब आई शेडो चला जाता है, मैं ब्रश या फिर कोई भी एयरब्रश से मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो ये रहा, देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आपका अगर डाउट क्लियर हो जाता है तो चलिए अब ट्यूटोरियल पर जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आईब्रो ड्रॉ कर लिया है और नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, स्मोकी आई मेकअप है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो मैं आई पे करती हूँ जिस टाइप पे, वैसे ही मैं हाथों पे या फिर डमी पे ट्राई करती हूँ। तो फर्स्ट स्मोकी आई मेकअप करने से पहले आपको पहले एक कोई भी जेल आईलाइनर या फिर काजल ले लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे मेबलिन का जेल आईलाइनर लिया है और देख सकते इसका कलर कितना जेट ब्लैक टाइप का आ रहा था। बट यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने इस पार्ट को डिलीट नहीं किया है। मैंने इस पार्ट को वीडियो पे ऐड किया है ताकि आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है। मैंने भी ये डमी हाल ही में परचेस किया है, आप सबको पता होगा जो मेरे वीडियो देखते हैं। तो मैं जब इसको ब्लेंड कर रही थी, क्योंकि ये क्रीम का प्रोडक्ट है तो ये अच्छे से बैठ नहीं रहा था इसको, मैं जब भी ब्लेंड करने की कोशिश कर रही थी तो ये मूव हो रहा था अपनी जगह से। तो मैंने सोचा कि शायद ये बैठ नहीं रहा है या कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने जब अपने हाथों से निकाल लिया तो तुरंत ही निकल गया, तो मुझे पता ही चल गया कि ये सेट नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैंने क्लीन कर लिया है। और आप भी क्रीम प्रोडक्ट इस पर यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने सेम उसी वैसलीन से क्लीन कर लिया है। अब मैंने बेली का ब्रश लिया है, पेंसिल ब्रश, और मैं जो कार्निवल पैलेट है उससे शेड यूज़ कर रही हूँ ब्लैक, जिसका शेड नेम है लाइट्स कट। तो वो यूज़ करेंगे जो एक्चुअली में ब्लैक कलर है। तो इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ और पाउडर जो होता है इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से मतलब अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो पैलेट से कलर लिया है वो पैलेट है आपको प्रीटी ऑल सेट, यू कैन मेक अ प्रीटी ऑल सेट का ब्लैक कलर। ट्रस्ट मी, ये मुझे अभी मैं देख रहा हूँ इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब कार्निवल से भी ज़्यादा अच्छे से ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था। जेड ब्लैक जो कलर है वो पिगमेंट बहुत अच्छा दे रहा था इसके ऊपर। तो एक आई मेकअप मैंने कर लिया है थोड़ा, और दूसरा सेम करेंगे। आईबॉल जो एरिया होता है आपका, जो लेंस वाला या आईबॉल का एरिया होता है, वहाँ पर आपको डीप कलर रखना होता है हमेशा, और देन उसको अच्छे से इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर तक इसको आपको राउंड शेप में या फिर लेफ्ट राइट करके आपको बस ब्लेंड करना होता है। सेम प्रोसेस अब अपने आँखों पे भी कर सकते हैं, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। तो और आँखों पे जब करना तो तब आप कोई भी काजल या फिर लाइनर यूज़ करने के बाद ही ऐसा प्रोसेस कर लेना, तो ज़्यादा अच्छे से रहता है। वरना आप ऐसे भी डायरेक्ट आई शेडो, आपका आई शेडो अगर पिगमेंटेड है तो आप डायरेक्ट आई शेडो से कर सकते हैं। तो मैं लोअर आई मतलब लोअर जो लैश एरिया होता है मैं वहाँ पे भी ब्लैक लगा ले रही हूँ आई शेडो। देन एक स्मॉल फ्लॉफी ब्रश से हम जो आउटर साइड है उसको ब्लेंड कर रहे हैं, और जो क्रीज एरिया होता है या फिर क्रीज लाइन एरिया होता है वहाँ पे आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना होता है। और इसके लिए मैं जो आई शेडो यूज़ कर रही हूँ मैं आगे वीडियो पे दिखा दूँगी, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सेम ही है जो ब्लैक मैंने यूज़ किया है उसको, मतलब उसको स्मोकी करने के लिए। तो मैं यहाँ पे
यूज़ कर रही हूँ वो है फेड और बेसिक वाला शेड। मैक्सिमम ये आपका ब्राउन न्यूड शेड पे है, तो उन दोनों कलर को मैं लेके, आप कोई भी ब्राउन कलर ले सकते हैं और या फिर चाहे तो आप कोई हल्का कलर लेके भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ दोनों साइड से। तो ये आई मेकअप मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था, तो इसलिए मैंने नीचे जो आई शेडो आपका गिरा था तो वह मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। और मैं आई बॉल का जो अंदर का व्हाइट वाला पोर्शन है, मैं उसको भी ब्रश की मदद से अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ वही सेम लोशन की मदद से। देन मैं यहाँ पे आई लैश लगा रही हूँ, और पूरा डिटेल्स में वीडियो मैंने अपने चैनल पर देखे रखा है, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे स्मोकी आईज़ कंप्लीट होता है, बट स्मोकी आईज़ पे एक बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट होता है हाईलाइट करना। आपको आपका आईब्रो मतलब सॉरी जो ब्रो बोन एरिया होता है वहाँ पे आपको हाईलाइट करना होता है, इससे ज़्यादा अच्छे से लुक आता है। तो मैं यहाँ पे कार्निवल पैलेट से ही कर रही हूँ, और नेक्स्ट आपको इनर कॉर्नर पे करना नहीं भूलना, क्योंकि मेन पार्ट होता है स्मोकी आईज़ पे आपको इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना ही होता है। तो गाइज़ आज का यही ट्यूटोरियल है, शॉर्ट ट्यूटोरियल। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।